Hello students, welcome back to the next lecture of reproduction in organism. आपने अब तक पिछले तीन lectures देखे हैं, आपने अलग अलग तरह के types of sexual और asexual reproduction को देखा है. आज हम इस lecture का fourth part को देखेंगे. तो आज के जो इस lecture में हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, हम सबसे पहले bud grafting के बारे में बात करने वाले हैं कि basically bud grafting होगा क्या. हमने पिछले lecture में grafting देख लिया था, हमने ये पढ़ लिया था कि हम स्टॉक किसे कहते हैं, और हमने ये भी देख लिया था कि हम स्कियोन किसे कहते हैं. तो यहाँ पर जब बड ग्राफ्टिंग में हम करते हैं, बेसिकली आप क्या करते हो बड ग्राफ्टिंग में, जैसे कि नेम सजेस्ट है, आप एक प्लांट से क्या करते हो, एक बड को लेते हो. उसके बाद जिस प्लांट में आपको उस बड को इंसर्ट करना होता है, उस प्लांट को आप टी शेप में कट करते हो, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा. तो ये कैसे कट हो रहा है, टी शेप में बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, कट हो रहा है. ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि जहां पर आपने इसको टी शेप में कट किया है, वहां पर आपको इस बर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है. जब आपने इस बर्ड को वहां पर इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको उसको टेप से क्या करना है, पूरी तरह से कवर कर देना है. अब जब आप उसको, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, टी शेप से कप करने कवर करने के बाद उसको सेल्यूलोसिक टेप से आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया. जब यहाँ पर ये कवर हो गया, तो इस पर रूट प्रमोटिंग केमिकल्स आपको छिड़कने हैं या डालने हैं. फिर एक बार जब ये रूट प्रमोटिंग केमिकल्स आपने छिड़क दिया और डाल दिया, तो ये बर्ड क्या हो जाएगा, ये पूरा एक तरह से ग्रो हो जाएगा, और ये बर्ड पूरा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. अब उस बर्ड को आप जब निकालेंगे बाहर, तो उसके अंदर दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी कि जो स्टॉक था उसकी भी, और जो स्कियोन था उसकी भी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी. यानी कि बर्ड ग्राफ्टिंग के जो सबसे अच्छे एग्जांपल्स है आपके सामने है, वो एप्पल, पीच एंड रोज. ठीक है, तो इस तरह से बर्ड ग्राफ्टिंग हमारे लिए कम्प्लीट होती है. अब आएंगे हम लेयरिंग के ऊपर कि बेसिकली लेयरिंग किसे कहते हैं. अगर सपोज करो, जैसे कि मैं पिक्चर पहले दिखा देता हूँ, तो अगर जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ये जो स्टेम है इसका, ये दिखाई दे रहा है. तो इसको कहाँ लेकर गए, नीचे की तरफ. तो बेसिकली क्या होता है, जब कभी कभी हमारे ब्रांचेस जो होते हैं ट्री के, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके जो बड़े बड़े ब्रांचेस ट्री के, उसको खींच कर क्या करेंगे, जमीन के नीचे करेंगे, और उसके ऊपर एक छोटा सा क्या कर देंगे, मिट्टी डाल देंगे या पहाड़ सा बना देंगे, और उसके ऊपर बेसिकली क्या कर दो, रूट प्रमोटिंग केमिकल्स डाल दो. अब उससे होगा क्या, ये जो अलग से जो यहाँ पर ब्रांच निकला है, ये जो स्टेम का पार्ट है यहाँ से, इसमें आगे जाकर क्या होगा, रूट आएगा, और बाद में तुम उसको यहाँ से अगर कट कर दोगे, तो एक नया प्लांट यहाँ से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं. ठीक है, याद रखना, लेयरिंग जब भी होती है, तो लेयरिंग जो होती है वो कम से कम एक साल पुराना स्टेम होगा, उसी में आप क्या कर सकते हो, लेयरिंग कर सकते हो. दूसरा, लेयरिंग जब होती है, ये अर्ली स्प्रिंग या रेनी सीजन के टाइम पर होती है. इसका भी एक रीजन है, ये इसीलिए अर्ली स्प्रिंग या रेनी सीजन के टाइम पर होती है, क्योंकि उसी टाइम तो क्या होगा, रूट्स ग्रो होंगे, तो वो जो ओल्ड स्टेम या वो जो ओल्ड स्टेम आपने लिया था, उस स्टेम को अगर आप जमीन में नीचे खींच कर डालोगे, तो उससे क्या होगा, वहां पर रूट निकलेंगे, और रूट से क्या होगा, पूरा प्लांट आएगा. दूसरी बात, जो ब्रांच को आपने पैक करके नीचे किया, ये पैक डाउन जो ब्रांच आपकी दिख रही है ना, नीचे किया है, ये जो ब्रांच है बेटा, इस ब्रांच को हम कहेंगे लेयर, इसी को लेयर कहेंगे. और यही कंसेप्ट क्या है, लेयरिंग का कंसेप्ट है. लेयरिंग के अलग अलग टाइप्स ऑफ लेयरिंग होते हैं, अब हम उसके टाइप्स पर मैं जा नहीं रहा हूं. एक एयर लेयरिंग होता है, एक माउंट लेयरिंग होता है. ठीक है, तो वो सिर्फ नाम याद रख लो. अब हम जाएंगे माइक्रो प्रोपोगेशन पर कि हम माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहेंगे. तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, अगर आपने टिश्यू कल्चर का नाम सुना हो, तो आपको माइक्रो प्रोपोगेशन भी समझने आएगा. अब तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा है, अब तक हमने इस चैप्टर में ये देखा है कि हम किस तरह से बेसिकली प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, हमने ये देखा है. हाँ, तो अब माइक्रो प्रोपोगेशन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप प्लांट्स को ग्रो तो करोगे, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट लोगे, जिसे हम इन विट्रो कहते हैं,
जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, तो ये इन विट्रो बेसिकली क्या होता है, एक अंडर कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में आप माइक्रो प्रोपोगेशन करते हो। और ये अगर लेबोरेटरी में होता है तो ये नेचुरल मेथड तो नहीं होगा, ये कौन सा मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है। और इसी मेथड को हम कहते हैं क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर नाम है। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो है जी हेबरलैंड, इनका नाम है, जो फादर ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन है, जिन्होंने माइक्रो प्रोपोगेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑर्चिड्स है, बैम्बू है और अदर हॉर्टिकल्चर प्लांट्स है, उनको याद रखना है। फेयर इनफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक होने के बाद अब हम जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करना है अभी हमें। अब तक हमने जो देखा वो एसेक्सुअल मेथड्स को देखा था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स देखे, अब हम जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। चलो ठीक है, मैं इसी स्लाइड से शुरू करता हूँ। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो आपको हमेशा याद रखनी है, उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म होता है, गैमेट फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय पैरेंटल होता है, उसमें कितने मतलब कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो ये पॉइंट है कि एक ऑर्गेनिज्म को जुवेनाइलिटी रीच करनी है रिप्रोडक्शन के होने के लिए। मतलब अगर आपको कोई एक प्रोजेनी पैदा करना है या आपको एक ऑफस्प्रिंग पैदा करना है, उसके लिए पहले आपको रिप्रोडक्टिव एज से पहले कहाँ पहुँचना पड़ेगा, जुवेनाइलिटी एज पर पहुँचना पड़ेगा। और जब आपका जुवेनाइल एज, ह्यूमंस में जुवेनाइल एज कह सकते हो, प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कह सकते हो, ये जब एंड होगा तब रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगा, आपका शुरू होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। उसके बाद अब कुछ खास बातें, बैम्बू जो फ्लावर होता है, अब ये बैम्बू फ्लावर जो है ये पूरा जो इसका लाइफ टाइम होता है ये 50 से 100 साल का होता है। इसे हम मोनोकार्पिक प्लांट भी कहते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट बेसिकली क्या होते हैं बेटा, मोनोकार्पिक प्लांट बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक मतलब पूरी अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार क्या करेंगे, फ्लावर और फ्रूट्स देंगे और उसके बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। तो बैम्बू का जो ट्री होता है, तो बैम्बू फ्लावर जो होते हैं बेसिकली वो सपोज करो ये 50 to 100 years होता है ना, तो ऑन एन एवरेज 70 years की एज पर आपको ये फ्लावर्स क्या होंगे, ग्रो करते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना ये फ्लावर भी जो है 12 साल में एक ही बार आता है, और ये अक्सर बार आपको कहाँ मिलेगा, केरला कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको पता होने चाहिए। अब अच्छा, कुछ और बातें, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइक्लिक चेंज आता है मैमल्स में। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे ओवरीज और एक्सेसरी डक्ट जो होते हैं या हार्मोन जो होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज में काम आते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो नाम सुना है, तो प्राइमेट्स में उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्राइमेट क्या होता है, प्राइमेट वो स्पीशीज है जो मंकीज के थ्रू होते हुए आती है, यानी कि मंकीज होता है, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, तो इसके अंदर वो जो साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ये तो हमको पता है। पर जो नॉन प्राइमेट होते हैं उसके अंदर इस साइकिल को क्या कहते हैं, ऑस्ट्यूरस साइकिल, क्या कहेंगे, ऑस्ट्यूरस साइकिल। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, अब आगे देखते हैं, अब टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखेंगे कि एनिमल्स का टाइप पर किस हिसाब से देखेंगे, ब्रीडिंग सीजन पर, वो जिस हिसाब से ब्रीड करते हैं। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हर सीजन में ब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के ब्रीड करने के लिए कोई सीजन नहीं होता। पर कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स है, जैसे कि मैं फ्रॉग का एग्जांपल ले सकता हूँ, ये स्पेसिफिक सीजन में ही क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनिमल में आपको दो तरह के एनिमल्स मिले, कंटिन्यूस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर। अब इस पर आता हूँ, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, और उसमें कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से इवेंट्स होंगे, ऐसे इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से क्या हो, पहले हो। इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट होता है।
और दूसरा जो है गैमेट ट्रांसफर भी होता है, जिसमें हम अल्गी या टेरिडोफाइट को ले ले, जिसमें मेल गैमेट क्या होता है वाटर में स्विम हो जाता है, मतलब वही वाटर में अपने मेल गैमेट को छोड़ देगा वो, फिर वो क्या होगा कोई एग से क्या हो जाएगा मिल जाएगा और फिर क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और हायर प्लांट्स में गैमेट के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं, एनिमल्स में इसी चीज को हम क्या कहते हैं कॉपुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कॉपुलेशन भी कहते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होना। ठीक है, अब मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बताने चाहूंगा, ये जहाँ पर मैंने नोट्स लिखा है। ठीक है, जब आपके पास दोनों गैमेट सेम टाइप के हो, सिर्फ इसको याद रखो अभी, इसे होमोगैमेट्स कहते हैं। जब अगर वो डिफरेंट टाइप्स को हो तो उसे हेटरोगैमेट्स कहते हैं। अगर प्लांट में मेल गैमेट होगा तो उसे क्या कहेंगे एंथ्रोजॉइड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अल्गई आ गया, ब्रायोफाइटा आ गया और टेरिडोफाइट आ गया। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो लिया हमने, तो इसके अंदर मेल गैमेट जो होता है वो पॉलन ग्रेन कैरी करता है, फीमेल गैमेट जो होता है प्लांट के अंदर उसके उसको हम क्या कहते हैं एग कहते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में मेल गैमेट जो होता है उस स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट जो होता है उसे हम ओवम या एग कहते हैं। प्लांट में ये सारे के सारे फैक्ट्स है जो याद रखो और इसका नोट बनाकर रखना, आपको काम आएगा। बाइसेक्सुअल जो कंडीशन होती है उसे होमोथैलिक कहते हैं, यूनिसेक्सुअल जो कंडीशन होती है उसे हेट्रोथैलिक कहते हैं। ठीक है, और अगर आपके गैमेट जो है वो डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड से गैमेट बनना है तो क्या होगा मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस क्या कर देगा उसको हाफ में कर देगा, और हैप्लॉइड से गैमेट में करना है तो वो क्या कहलाएगा माइटोसिस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये होने के बाद, इतना पढ़ने के बाद अब यहाँ देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखते हैं। अब ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है इसके अंदर पहले तो ये बात याद रखो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस में याद रखो कि जाइगोट क्या होता है सेल डिविजन में जाता है और सेल डिफ्रेंसिएशन होता है। ये आगे वाले चैप्टर में आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, अब खाली बस इसको याद रखना है। अब जो हमारा लेक्चर का आखिरी पार्ट है वो ये है एनिमल के टाइप। अब जो एनिमल के टाइप है वो दो तरह के एनिमल होते हैं, वो किस तरह से अपने जाइगोट को डेवलप करते हैं। एक तो हो गया ओवीपैरस और दूसरा कौन सा हो गया वीवीपैरस हो गया। ओवीपैरस ऐसे होते हैं जिनके जो प्रोजेनी होते हैं वो हार्ड कैल्केरियस शेल्स में, बेसिकली जो अंडे दे सकते हैं वो, और वीवीपैरस क्या होते हैं मैमल्स होते हैं। तो वीवीपैरस में कोई अंडे में तो नहीं आता, ठीक है ना। दूसरी बात, जब ये इंक्यूबेशन हो जाता है ओवीपैरस में तो वो अंडे से बाहर आ जाता है, और यहाँ पर एक सर्टेन एज के ग्रोथ होने के बाद यंग वन क्या होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म से क्या होता है डिलीवर होता है और वो फिर बाहर आता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखो कि ओवीपैरस का जो प्रोजेनी है वो मोस्ट लाइकली है कि उसको कोई नुकसान हो जाए, जैसे कि अंडे होते हैं कोई उस पर पैर रख दे या कहीं गुम हो जाए, बट वीवीपैरस में ऐसा नहीं होता क्योंकि जो प्रोजेनी डेवलप होने के बाद जो है बाहर आता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो जाइगोट क्या होता है फॉर्म होता है किसके अंदर ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है। यही ओव्यूल आगे जाके किस में डेवलप होता है फ्रूट में, और यही फ्रूट जो ओवरी का जो वॉल है वही आगे जाके किस में डेवलप होता है फ्रूट वॉल में, और यही ओव्यूल जो आगे जाके आपको किस में डेवलप होंगे बेसिकली सीड्स में। यानी बताने का मतलब है ओवरी अल्टीमेटली जाकर किस में डेवलप होता है सीड्स में डेवलप होता है, और यही फेवरेबल कंडीशन में यही जो सीड्स होते हैं वो क्या जर्मिनेट करते हैं आगे जाके पूरा क्या होता है प्लांट बनता है। तो होप्स आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं लेक्चर को बहुत ही छोटा और कंसाइज ले रहा हूँ, सारे नोट्स आपके पास हैं, अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज पूछिएगा। इनिशियल लेक्चर्स है बायो के, थोड़ी सी देरी हो रही है उसके लिए माफी चाहूंगा। सो सारे नोट्स लिख लिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू।